सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोलता है, सुबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सुबोज प्रेजेंट एज। सुबोज की जितनी प्रेजेंट एज है, मदर उसकी कितनी है, उससे 6 टाइम है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में बोलता है मैं एज इट इज लेता जाता हूं। सुबोज को मैं एक्स मान लेता हूं, तो लेट द सुबोज एज बी एक्स, तो उसकी मदर की एज कितनी आ जाएगी, मदर एज बी कितना बोला है, मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स। ठीक है, तो यहां पे 6x हो जाएगा। नाउ सुबोज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, सुबोज की एज आज से 5 साल बाद, तो यहां पे लिखोगे आफ्टर 5 इयर्स सुबोज एज बी एज विल बी एक्स प्लस 5। ठीक है, आज की x है तो 5 साल और उसमें ऐड कर दोगे, विल बी एक्स प्लस 5। ठीक है, सो सुबोज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, मदर की जो प्रेजेंट एज है उसकी 1/3। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां पे x प्लस जब मैं 5 किया तो ये किसके बराबर है, मदर की प्रेजेंट एज के बराबर, और मैं क्या करूंगा 1/3 6x, अब 3 से काट दिया तो यहां पे कितना बचा 2। सो कुल मिलाकर यहां से 2x बचा और यहां पे x प्लस 5 था ही, सो 2x इधर ट्रांसफर किया तो x माइनस 2x हो जाएगा और 5 इधर ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड तो माइनस का 5 हो जाएगा। सो यहां से माइनस का x बचा, ठीक है, और इधर से माइनस का 5, x माइनस 2x। ठीक है, x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है और 2x उससे माइनस कर रहा हूं तो मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूं, y माइनस 2 कर रहा हूं, सॉरी 1 माइनस 2 कर रहा हूं, और 1 माइनस 2 माइनस 1, इसलिए मेरा माइनस का आंसर आया। सो एक्स इक्वल्स टू कुल मिलाकर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, 5 आ गया। ठीक है, तो सुबोज की जो प्रेजेंट एज है वो 5 आ गई, तो मदर प्रेजेंट एज क्या होगी इसकी, 6 5 30। पूछा क्या है यहाँ पे, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, देयर मतलब दोनों का पूछा है, तो यहाँ पे सुबोज की तो प्रेजेंट एज मुझे पता चल गई। ठीक है, इसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, मदर्स प्रेजेंट एज भी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5 6 × 5, सो 6 5 30 30 ईयर्स आ जाएगी। ठीक है, और इसकी 5 ईयर्स, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर द स्कूल इन अ मोहाली विलेज, कोई मोहाली विलेज है वहां पे नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ध्यान देना। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ऐसा, ठीक, द लेंथ ब्रिथ ऑफ द प्लॉट आर इन अ रेशियो 11:4, 11:4 में इसका दिया है लेंथ और ब्रिथ। ठीक है, तो जब भी रेशियो में दे तो हमेशा एक्स ले लेना है, क्योंकि मान लो मैंने लेंथ लिखी 20, ठीक है, और ब्रिथ लिखी 5, ठीक, तो एक्चुअल में मैंने लेंथ है मेरी 20 और 5, लेकिन जब मैं रेशियो में लिखूंगा लेंथ अपॉन ब्रिथ तो ये क्या बन जाएगा, 20/5, 5 से काटा 5 4 20 5 1 5, सो ये क्या आ गया 4:1 आ गया, तो एक्चुअल में 4 मीटर लेंथ है क्या, नहीं, ये इसका रेशियो है। तो कुल मिलाकर जिस सेम वेरिएबल से ये कटा है, यहाँ पे 5 से कटा था तो उसको मैंने x मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो में दिया था तो लेंथ को मैं 11x मान लूंगा और ब्रिथ को मैं मान लूंगा, 11:4 था 4x मान लूंगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि लेट द लेंथ बी 11x, देन ब्रिथ बी 4x। ठीक है, आगे क्या बोला है, एट द रेट ऑफ 100 per meter इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत इतना फेंस द प्लॉट। अब फेंसिंग का मतलब है कि चारों तरफ या तो आयरन की या वायर की फेंसिंग करना, तार लगाना। ठीक है, तो चारों तरफ लगा रहा है मतलब पेरीमीटर की बात कर रहा है, तो यहां पे आप क्या लगाओगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मेरा क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, सो लेंथ आपका 11x है, ब्रेथ आपका 4x है, तो जब आपको चारों साइड पता हो और आपको रेट पता हो, यहां पे क्या बोला है टोटल कितना ले रहा है, 7,500 रुपए, तो आप वहां पे क्या फाइंड करोगे, यहाँ पे डायमेंशन फाइंड करना है और रेट आपको 100 पर मीटर दिया ही है। इसका मतलब है 2
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। टू पैरीमीटर में मैं अपना रेट मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो टू लेंथ, लेंथ मेरा क्या है, लेंथ मेरा 11x है, ब्रेथ मेरा क्या है 4x है, और इस पैरीमीटर में मतलब चारों साइड की सम निकाल लिया, चारों साइड का सम निकाल लिया, इसमें मैं 100 पर मीटर में क्या ले रहा हूं, 100 रुपीज पर मीटर मेरा कॉस्ट लग रहा है फेंसिंग करने का। तो टोटल कॉस्ट बनेगा कितना, 7500, ठीक है, यहां पे दिया हुआ है 000 सॉरी, ठीक है, यहां पे 7500 फेंसिंग में लग रहा है। तो व्हाट आर द डाइमेंशंस, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पे क्या है, यहां पे 100 है, ये भी मल्टीप्लाई में है, 2 भी मल्टीप्लाई में है, तो कुल मिलाकर ये 200 है। सो 100 इंटू 2 200, और यहाँ पे 11x इंटू 4x कितना आ जाएगा, सॉरी 11x प्लस 4x यहाँ पे आ जाएगा 15x, और यहाँ पे 7500 है ही। सो कुल मिलाकर यहाँ पे x इक्वल्स टू, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मैं नीचे ले आता हूँ दोनों को, यहाँ पे 200 और यहाँ पे 15, ठीक, 15 से मैं काट देता हूँ, तो यहाँ पे 15 5 जा 75 5000, देन 20 20 कैंसिल, 2 से काटा 50 को तो 25। सो x की वैल्यू कुल मिलाकर यहाँ पे आ गई कितनी, 25। तो लेंथ कितना आ जाएगा, लेंथ है मेरा 11 इंटू एक्स, सो 11 इंटू 25 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 275 कितना आ जाएगा 275, और ब्रेथ आपका कितना है 4x, सो 4 इंटू 25 ये आ जाएगा आपका 100 मीटर, ठीक है। और यही पूछा है, 275 एंड 100 मीटर आर द लेंथ एंड द ब्रेथ, क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7th पे। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़ना तभी समझ में आएगा। हसन बायस टू काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल ऑफ हाई स्कूल यूनिफॉर्म, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 पर मीटर, ठीक है। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ अ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर, जब भी ऐसा बोलता है कि हर 3 मीटर के लिए मैं 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल खरीदता हूं, तो इसका मतलब ये क्या दिया है, रेशियो दिया है, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 7th में सबसे पहले दिया है फॉर एवरी 3 मीटर शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल्स ही बायज 2 मीटर्स या मीटर्स बोल दो, एक ही चीज है, ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल, ठीक है। राइटिंग यदि नहीं समझ में आती तो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन सही देख के लिखना है। सो यहाँ पे रेशियो दिया है 2:3:2, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्या है, लेंथ, तो टोटल लेंथ ऑफ द मटेरियल या टोटल मटेरियल कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे टोटल शर्ट मटेरियल, कैसा आ जाएगा टोटल शर्ट मटेरियल, मैंने बताया जब भी रेशियो में दिया हो तो उसको आप ले लोगे x के फॉर्म में, और ट्राउजर मटेरियल कितना आ जाएगा, ट्राउजर्स मटेरियल आ जाएगा यहाँ पे 2x, कितना आ जाएगा 2x। तो ये मेरा टोटल लेंथ है, और ये मेरा टोटल लेंथ है किसका, ट्राउजर का, और ये मेरा टोटल लेंथ है शर्ट का, इतना मैं कपड़ा खरीद रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है ही बायस शर्ट मटेरियल कॉस्ट हिम 50, तो देखो यहाँ पे जब वो टू काइंड ऑफ मटेरियल खरीद रहा है तो शर्ट के लिए 50 रुपीज़ उसको लग रहा है पर मीटर पे, और यहाँ पे 90 रुपये लग रहा है पर मीटर पे ट्राउजर के मटेरियल पे। तो यदि मैं इस 3x पे, ये टोटल लेंथ है किसकी, शर्ट मटेरियल की, इसमें मैं 50 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सो यहाँ पे लिखोगे टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट्स मटेरियल, ठीक है, कैसे निकालोगे, 150x मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह यहां पे टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउजर्स मटेरियल कैसे निकालोगे,
यहाँ पे दिया था टोटल लेंथ ट्राउजर की 2x है और इसका रेट मेरा है पर मीटर 90, तो टोटल प्राइस कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी इसकी 180x। ठीक है, तो ये तो कॉस्ट आ गई, कितनी आ गई कॉस्ट। ठीक है, अब आगे बोला ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे 12% प्रॉफिट एंड 10% प्रॉफिट पे वो बेच रहा है, तो टोटल जब बेचा तो उसको मिला 36,600 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे शर्ट पहला लिखा है 12%, इसका मतलब शर्ट की बात कर रहा है, क्योंकि पहले वाले पे हर जगह ये शर्ट की बात कर रहा है। तो कुल मिलाकर जब एसपी एसपी ऑफ क्या निकालोगे, एसपी ऑफ शर्ट, तो वो कैसे निकलेगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे एसपी ऑफ शर्ट सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी आपका कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट यहाँ पे मैंने निकाला है 150 एंड प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे 12% में प्रॉफिट में बेच रहा है, तो 12% ऑफ सीपी प्रॉफिट किस में निकलता है, सीपी में ही निकलता है। ठीक है, हवा में यहाँ पे सिर्फ 12 नहीं लिख दोगे, 12% जितना में खरीदा था उसका 12%, खरीदा कितना था 150x में खरीदा था उसका 12%, तो यहां से आ जाएगा 150x प्लस 12% ऑफ सीपी, मतलब 12/100, परसेंटेज हटेगा तो 100 नीचे आएगा, ऑफ है तो इनटू आएगा, और सीपी मेरा है 150। ठीक, एक्स 150x, सो एक जीरो कट गया, यहां से 2 5 10, 2 6 12, देन 5 3 15, तो 6 3 18, कुल मिलाकर यहां से बचा 150x प्लस 18x। अब दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो यहां से मिल जाएगा 168x, तो ये मेरा आ गया एसपी। ठीक है, एसपी ऑफ शर्ट आ गया। इसी तरह मैं क्या निकालूंगा, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर। ठीक है, सो ट्राउजर का जब मैं सेलिंग प्राइस निकालता हूं तो वो कैसे निकलेगा, सीपी में मैं फिर से 10% इस बार वो प्रॉफिट ले रहा है, यहां पे क्या बोला है 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, 10% ऑफ सीपी, तो सीपी ऑफ क्या है, सीपी ऑफ ट्राउजर मेरा है 180, तो यहां पे लिखूंगा 180x, 10% मतलब 10/100 इनटू सीपी, सीपी मेरा 180x था, सो एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से, कुल मिलाकर 180x प्लस 18x दैट विल गिव यू हाउ मच, 198x। ठीक है, तो यहां से ये एसपी आया किसका, ट्राउजर का, और यहां से जो एसपी आया शर्ट का। अब दोनों एसपी को यदि मैं ऐड कर दूं तो वो बेच रहा है 36,600 रुपए में, 36,600। सो यहां पे एसपी ऑफ शर्ट प्लस एसपी ऑफ ट्राउजर करूं तो वो टोटल बेच दिया 36,600 रुपीज में। ठीक, सो एसपी ऑफ शर्ट मेरा क्या है 168x, एसपी ऑफ ट्राउजर क्या है 198x। ठीक है, और यहां पे इक्वल्स टू में 36,600, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये देगा 366x, यहां पे 36,600, सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 36,600 अपॉन 366 काट दिया 100 आ गया, सो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100। और यहाँ पे पूछा क्या है, लास्ट में पूछा है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा है, तो यहाँ पे ट्राउजर मटेरियल मैंने क्या लिया था 2x, सो यहाँ पे ट्राउजर का मटेरियल आ जाएगा 2 × 100 दैट विल गिव यू 200। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छे से मैंने एक एक स्टेप समझाया है, आप लोग भी इसको अच्छे से समझ के और फिर लिखना है। ठीक है, यहाँ के बाद इस स्टेप के बाद हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, और फिर ऐसा सॉल्व करते हुए यहाँ पे आ गए।